बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम तिल्ली पर है, तिल्ली का बढ़ना, तिल्ली बढ़ने की वजूहात, अलामात और इसका इलाज। कुदरत ने इंसानी जिस्म का कोई भी उज़व बेकार नहीं बनाया। तिल्ली की हकीकत अरसा दराज तक तो पोशीदा ही रही कि इसका फंक्शन क्या है, और फिर इब्तदाई रिसर्च से पता चला कि तिल्ली भी जिस्म का एक अहम उज़्व है। तिल्ली को इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। ये पेट के बाईं साइड दिल की तरफ पसलियों के नीचे पाई जाती है। तिल्ली का एक खास काम है कि वो खून में जितने भी जहरीले मादे पैदा होते हैं उनको साफ करती है। खून से आए हुए मुर्दा खुलियात को रिसाइकिल करके दोबारा खून में भेजती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली में वर्म आ जाता है या तिल्ली सुकड़ जाती है। अगर आपका जिगर ठीक तरह से काम नहीं करता, यरकान है या हेपाटाइटिस है तो इसमें भी तिल्ली बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर ब्लड कैंसर, तीसरे नंबर पर कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई पैरासाइट वगैरह, इससे भी तिल्ली बढ़ जाती है। तिल्ली बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह मलेरिया बुखार भी है। दिल की अंदरूनी झिल्ली की खराबी की वजह, टीबी, खून की कमी वगैरह, ये चंद एक अहम वजूहात या असबाब हैं जिनकी वजह से तिल्ली खराब होती है। अब हम देखते हैं कि तिल्ली के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले नंबर पर हर वक्त थकावट का एहसास, खून की कमी, वजन में कमी आ जाती है, बार बार इन्फेक्शन या बुखार का होना, यरकान का होना, आंखें पीली हो जाती हैं, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, सांस फूलने लगता है, कुव्वत मुदाफियत की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। अगर आपके अंदर ये तमाम अलामात पाई जाती हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और इसकी तशखीस करवाएं। इसकी तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई का सहारा लिया जा सकता है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। होम्योपैथी में तिल्ली का शाफी इलाज मौजूद है। मैं आपको आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चोटी की दवाई का नाम बताता हूँ। उसका नाम है सियोन्थस, इसको च्योन्थस भी कहते हैं। इसका नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। इसकी अलामात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाएं तो इंशाल्लाह शिफा यकीनी होगी। तिल्ली का बढ़ जाना, तिल्ली के हिस्से में दर्द जिसके साथ सांस में तेजी हो, दर्द ऐसे होता है जैसे किसी ने टांके लगाए हैं या डंग लगने का एहसास होता है, बुखार होता है, खास तौर पर मलेरिया बुखार के बाद होने वाले बद असरात में ये दवाई बहुत ही मुफीद है। जिगर और कमर में दर्द होता है, अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप सियोन्थस क्यू 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करें। ये एक होम्योपैथिक दवाई है और आपको होम्योपैथिक स्टोर से ही मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सी अद्वियात हैं जो तिल्ली के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें चैलिडोनियम है, चाइना है, लेकिन आप उनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।